असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर चैप्टर नंबर टू कैनमेटिक्स एंड द टॉपिक टू पॉइंट थ्री स्केलर्स एंड वैक्टर्स सो स्केलर्स और वैक्टर्स क्या है ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कुछ क्वांटिटीज डिस्कस की लाइक लेंथ मैथ टाइम सो अब इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है सो दीज ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज क्लियर सो राइट द डेफिनेशन फर्स्ट That scalar quantities, quantities which describe completely. बाईट मैग्नीच्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज क्लियर अब ये मैग्नीच्यूड यहां पर वर्ड यूज किया गया है तो मैग्नीच्यूड क्या है बेसिकली एक मैस को मैयर किया और हमने कहा कि उसका मैस है फोर्टी किलोग्राम सो अब यहां पर ये जो फोर्टी है बेसिकली इसको कहते हैं इट इज द नरिकल पार्ट ओके एंड दिस वन इज द यूनिट ओके सो अब जो part, ये जो नुमेरिकल पार्ट और यूनिट ये बेसिकली कंप्लीट कहलाता है मैग्नीट्यूड और ये आपको बेसिकली बता रहा होता है कि इसकी इतनी क्वांटिटी यहां पर मौजूद है क्लियर सो दिस इज द मैग्नीट्यूड और ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं उन क्वांटिटीज को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज लाइक फॉर अगर मैं बात करूं कि मैंने इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है सो so, अब इस लाइन की लेंथ लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इस लाइन की लेंथ है टू मीटर सो टू इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड मीटर इज द यूनिट सो न्यूमेरिकल और यूनिट जो है ये मिलकर एक मैग्नीट्यूड बनाता है सो so ये बताएगा कि इसकी लेंथ जो है वो इतनी है क्लियर और मैग्नीट्यूड के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती लाइक फॉर एग्जाम्पल की आप इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक मुयर करें तब भी टू मीटर आएगी अगर आप इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक मुयर करते हैं तब भी टू मीटर आएगी क्लियर so इसके लिए आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से ही हम बता सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक लेंथ है क्लियर सो एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं लाइक द एग्जाम्पल्स आर मैथ जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि मैथ एक फोर्टी किलोग्राम है ठीक है तो हम मैथ जो है एक स्केल क्वांटिटी है जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है एंड सिमिलरली हमने डिस्कस किया अभी लेंथ लेंथ भी length, length P, एक स्केल क्वांटिटी है एंड सिमिलरली टाइम क्लियर सो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है except, और तरह की बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है तो उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्लियर नाउ वेक्टर वेक्टर्स क्या होते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड हो और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज ओके द ओकेटिटीज Which describe completely by magnitude and direction. टिटीजे okay. so, वो क्वांटिटीज उनको डिस्क्राइब हम करते हैं बाई इट्स मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन तो उन क्वान्टिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज फॉर एग्जाम्पल लाइक फोर्स फिलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओके okay, तो ये सब क्वांटिटीज वो हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है और इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है सो तीस क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज क्लियर और इस वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की भी जरूरत होती है क्योंकि यहां पर आपने एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है सो so डायरेक्शन के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां बात करें कि फोर्स की बात करें कि फोर्स लेट्स uh, पोज के मैं कहता हूं कि मैं लेट्स पोज के मैं कहता हूं कि मैंने एक फाइव न्यूटन फोर्स लगाई अब यह फाइव न्यूटन फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं इसकी डायरेक्शन क्या है अल्स इसकी डायरेक्शन ये है या फिर इसकी डायरेक्शन ये है एंड सिमिलरली इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है या इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है सो so बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड हो और आपको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज सो एग्जांपल्स आर लाइक फोर्स विटी डिसमेंट ओके सब क्या है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्लियर सुनाओ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऑल दो हमने कहा कि जो सारी क्वांटिटीज हैं लाइक मैथ लेंथ टाइम फोर्स फिलोसिटी हमको डिवाइड कर दिया स्केलर्स में और वैक्टर्स में सो so, अब हम किस तरह से ये रिकग्नाइज करेंगे कि ये एक वैक्टर क्वांटिटी है तो वैक्टर क्वांटिटी को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ड लेटर से या फिर उन लेटर्स के ऊपर एक बार डाल दी जाती है या फिर उन लेटर्स के ऊपर हम एरो डाल देते हैं तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ओके सो टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स ठीक है हम बोर्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल की वैक्टर क्वांटिटी का फोर्स है तो मैं फोर्स को एक बोर्ड लेटर की फॉर्म में लिखूंगा जस्ट लाइक दिस ओके तो ये हो जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है सिमिलरली बार अब बार इसके मैं फोर्स लिखता हूं और मैं फोर्स के ऊपर एक बार डाल दूं तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटी और एरो जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स लिखा जिसके ऊपर आप एक एरो डाल दें तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटी की के वेक्टर क्वांटिटीज को आप या तो बोल्ड करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर आप उस अल्फाबेट जो लेटर है उसके ऊपर आप एक बार डाल दें या फिर आप उसके ऊपर एक एरो डाल दें तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक स्केलर क्वांटिटी से क्लियर सो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड ग्राफिकली आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड लेट्स सपोज कि लाइन सेगमेंट में ड्रॉ की ए और बी ठीक है तो अब ये जो ए और बी लाइन सिटम मैंने ड्रॉ किया है तो यहां पर एक एरो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है अब ये ये जो एरो है है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी ये डायरेक्शन है क्लियर और इसी तरह से अब इस ए और बी की जो पूरी लेंथ है लेंथ शो करेगी इसका मैग्नीट्यूड length of AB shows बी शोज कहीं फोर्स बहुत ज्यादा है तो आप उसकी लेंथ और इंक्रीज कर दें या अगर कहीं पर फोर्स बहुत कम है तो आप उसकी लेंथ डिक्रीज कर लें क्लियर so, इस तरह से हम लेंथ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसी तरह से ये जो एरो है एरो शो करता है डायरेक्शन एरो एट पॉइंट बी शोज डायरेक्शन क्लियर सो इस तरह से हम ग्राफिकली किसी भी एक वैक्टर क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियर आई होपे लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज